लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला और बाल अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध कराया है। 2020 से हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में हम लोगों ने करीब 1.5 लाख पुलिस कर्मी की भर्ती की है। 2017 से पहले कुल 10,000 महिला पुलिस भर्ती हुई थी। 2017 से 2023 तक जो भर्तियों हुई है उसमें 20,000 महिला पुलिस की भर्ती हुई है, यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई उससे दोगुनी भर्ती पिछले 5 वर्षों में हुई है। ये सरकार महिला के सुरक्षा के प्रति गंभीर है। हम लोगों ने 2018 में ही, इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे। उस पेंडिंग को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए, जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा वहीं उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ाती है, बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया।
लेकिन जो पुलिसकर्मी महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए